हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑटो जर्नल इंडिया। आज मैं प्रवीण और मेरे साथ है हैरियर ईवी। ये कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपको 2025, 27, 30 में आने को मिलेगी। ये आपको 2023 के एंड में मिल जाएगी, लॉन्च हो जाएगी और क्या पता 2024 में आप इसमें हो भी। फ्रंट डिज़ाइन की मैं बात करूँ, जो हैरियर के साइन था, जो DRS से जो उसे डिनोट करते थे, दिखाते थे कि वो एक हैरियर है, बल्क है, बीस्ट है, टैंक है, तो उन्हें अब इन्फाइनाइट कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया। और जिस तरह वो ग्लो करता है, वो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसी कनेक्टिंग DRS होंगे। जो ग्रिल थी उसे शट ऑफ कर दिया गया है, जो ट्राइअरो पैटर्न था अब उसे शट ऑफ कर दिया गया है, यानी कि अब इलेक्ट्रिक अवतार में हैरियर आने वाली है। नीचे आप देखोगे तो टाटा का ग्लो लोगो मिलता है, उसके नीचे आपको एक कैमरा मिल जाता है और उसके नीचे उससे बड़ी चीज़ एडास का रडार मिल जाता है। तो मतलब अब टाटा रेडी हो गया है एडास के लिए, अब XUV को टक्कर देने के लिए रेडी हो गया और एक बड़ा कॉम्पिटिशन XUV को इलेक्ट्रिक अवतार में देगी। नीचे आपको लाइंस मिल जाती है काफ़ी सारी और काफ़ी एजी हो गई है अब हैरियर। पहले जो टैंक बीस मोड पे लगती थी, अब वो थोड़ी एजी हो गई, थोड़ी स्मार्ट हो गई है हैरियर। साइड की मैं बात करूँ तो आपको व्हील कैप्स मिल जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, ये डायमंड कट लगते हैं। दूर से देखोगे आप तो आपको व्हील कैप का रिमाइंड कराएंगे। एरोडायनामिक शेप देने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी ये फिलहाल एलॉय लग रहे हैं क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है, अभी आना है, इससे काफ़ी चेंजेस होंगे, तो अभी इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। R19 आपको टायर्स मिल जाते हैं, हेडलैम्प जो है आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, उसके नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं और उसके नीचे ट्राइंगुलर हाउसिंग मिल जाती है जिसपे भी लाइंस दिखाई गई हैं। साइड में कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज साइड में है वो है 360 डिग्री कैमरे का। साइड व्यू मिरर्स में आप देखोगे तो आपको अब कैमरा मिल जाता है। तो इतनी बड़ी हैरियर थी जिसपे हम हमेशा क्वेश्चन करते थे कि अब रिवर्स कैसे करें, टर्न कैसे करें, तो उसका भी टाटा ने अब सोल्यूशन दे दिया है। एक ईवी की बैजिंग, मतलब कि ईवी अवतार आना अब कन्फर्म हो गया है और वही धमाकेदार लंबा लॉन्ग व्हील बेस। पहले ये D8 ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म जो कि जैगवार का प्लेटफॉर्म था उस पर आती है, अब जनरेशन 2 ईवी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है जो कि टाटा का खुद डेवलप्ड प्लेटफॉर्म है। साइड में मैं बात करूँ तो इधर आपको एक ईवी चार्जिंग ऑप्शन मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ मैं कि टाटा इसे 60 से 70 किलोवाट की बैटरी के साथ तो देगी और एक्सपेक्टेड रेंज अराउंड वही 400 से 500 ये निकाल दे, और सबसे अच्छी रेंज क्लेम्ड अगर 600 हो तो मज़ा ही आ जाएगा हैरियर ईवी के साथ। अंदर जो बड़े बदलाव होने थे वो अब हो चुके हैं, जो पहले छोटी टच स्क्रीन थी, लैगी टच स्क्रीन थी, अब वो जा चुकी है। 10.25 इंच का एक धमाकेदार इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया है। अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, एयर प्योरीफायर मिल जाता है, तो काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया है टाटा ने और इंटीरियर भी काफ़ी हद तक अपडेट हो गया है। रियर में बात करूँ तो वही जो सारी ईवी कार्स में इस बार हमने ऑटो एक्सपो में देखा है, LED टेल लैंप्स तो वो मिल जाते हैं। ऐसे ही आपने टेल लैम्प फॉर्च्यूनर में देखी होगी, मॉडिफाइड इनोवा क्रिस्टा में देखी होगी, अब वो हैरियर में भी आ गई है। डार्केंड आउट है, ऊपर आपको देखोगे तो स्पॉइलर मिल जाता है, वो भी काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है, वाइपर वगैरह सब वैसे ही पोजीशन है, बस एक हैरियर और उसकी ईवी की बैजिंग मिल जाती है। रियर में भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक्ड आउट फिनिश है, लाइंस का यूज़ किया गया है और नीचे एरोडायनामिक शेप देने के लिए लाइंस का यूज़ किया गया है। कैसी लग रही है हैरियर ईवी इस डुअल टोन वर्जन में आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा तो जो नेक्सॉन का ग्रीनिश वर्जन होता है, ब्लूइश वर्जन होता है, उसमें भी आए तो उसमें और सुंदर लगेगी। बल्किनेस अभी भी टाटा ने बरकरार रखी है इसके अंदर और ये एक ऐसी गाड़ी है टाटा की जो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ईवी अवतार में आए और कभी डिसकंटिन्यू ना हो। कोशिशें थी कि पेट्रोल में आएगी, 2.2 लीटर का अभी डीजल कैरी आउट किया जा रहा है, उम्मीद थी कि एक पेट्रोल इंजन ऐड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइज दे दिया है टाटा ने सबको, एक इलेक्ट्रिक अवतार दे दिया है टाटा ने सबको। कैसी लग रही है हैरियर ईवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कैसी लगी ये वीडियो अपने ओपिनियन ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। 3 वर्जन हैरियर के हो गए हैं अब, डीजल जो कि करंट चल रहा है 2.2 लीटर, पेट्रोल जो कि आना वाला है, एक्सपेक्टेड है, और ये अब इलेक्ट्रिक अवतार। आप इन तीनों में से कौन सा चूज़ करोगे ये भी ओपिनियन डालिएगा, और इन 3 कार्स में आप कौन सी चूज़ करोगे, हैरियर ईवी या सियेरा ईवी या फिर कर्व ईवी या फिर सबसे डिफरेंट जाओगे एविनिया ईवी के साथ।